नमस्ते, मैं हूं अभय देओल और आप देख रहे हैं कनेक्टेड हम तुम पावर्ड बाय ह्युंडई। आज चाहे जैसा भी हो, कल बेहतर होना चाहिए। यही वो आशा है जो हमारे सपनों को जिंदा रखती है। हम में से हर कोई छोटी बड़ी आशाएं मन में संभाले हुए है, कुछ बनने की, कुछ करने की, अपने दिल की बात कहने की, किसी और के दिल की बात सुनने की। ऐसी हजारों आशाएं होती हैं जो हमें जीने की वजह देती है। ऐसी ही एक आशा महिमा को मेरठ से मुंबई ले आई है। उसके पास ना घर वालों का सपोर्ट है, ना मुंबई में कोई कॉन्टैक्ट्स, बस एक छोटी सी आशा है जिसे पकड़ के वो अपने सपने के पीछे लगी हुई है। लगता है आज उसका लकी डे है। माया की, मैं जा रही हूँ लक्ष्मी दीदी के साथ उनके साथ सेट पर, ऐसे ही घूमने के लिए। आज काम वाम धंधा कुछ नहीं है, तो सेट पर जाके वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, मतलब डायरेक्टर और इन लोगों से। क्या देख रही है यार? हम लोग पता नहीं कौन सी लोकेशन पे आ गए हैं, बिल्कुल गांव जैसी लोकेशन है। तुमको क्या? ये है हमारा सेट, इतना अंदर अक्सर ही होती है वहीं पर ही। वैनिटी वेंच खड़ी है वहाँ पर। इमली से खट्टे का भी मीठे है। सबसे सोने लड़कपन का सेट। हम लोग सेट पर आ चुके हैं। आए हम। ये दीदी का पर्सनल रूम है और यहाँ हर किसी का पर्सनल रूम है। मेरा भी ऐसा रूम होने वाला जल्दी में। तेरे रिपोर्टर कार्ड का है महिमा? हाँ, मुझे भी लगा कि ये कोई वाइट लेना है, इसलिए मुझे कौन सा चैनल चाहिए। मैं इसको बाहर निकाल इसको निकाल। क्या कर रहे दादा? क्या बात है? अभी तक तैयार नहीं, जाओ पहले नहा लो। दीदी का सेट कुछ हम लोग जैसे टीवी में देखते हैं ना, वैसा अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। तो दीदी का शूट देखा है ना, कितना मस्त है ना। अरे कितनी बातें हो रही हैं यार, मैं रिहर्सल कब करूंगा? एक्शन। उन्होंने मुझे आके यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया, बताया कि मैं हूँ। हम जानेंगे तो काम मिलेगा, कोई चेहरा नया चेहरा देखेंगे तो काम मिलेगा ना। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं के बीच। मेरा शॉट लगा तो? अरे नहीं, मेरा क्लोज हो गया, अब तो मेरे डायरेक्टली रूम में है शॉट। बार गिर चुकी मैं, बताया हॉकी उसमें लगा था देखो। अरे पता है, जब भी मैं हॉकी ग्राउंड पे जाती थी ना, इतना मतलब इतना ज्यादा जाता था ना, मैं कम से कम 10 बार गिर चुकी हूँ हॉकी खेलते खेलते। हाँ, बाय। चल बाय, गॉड ब्लेस यू। अरे रचना, रचना नॉट गुंजन। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। हाँ, जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। कितना प्रिटेंशियस, एकदम अलग ही एक होता है ना, सब लोगों ने मेरे को अच्छे से। हाँ रचना तो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। रचना ही रचना, वो जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है ना, वो मेरे को बहुत स्टार करती है, फ्रेंड नहीं करती है। थैंक यू दीदी, आज आपने मिलवाया मुझे, सबसे इंट्रोड्यूस कराया पर्सनली, अच्छा लगा। मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, मतलब कि आपने मेरे को पर्सनली इंट्रोड्यूस कराया तो? एक टाइम में मैं भी न्यू कमर थी और मुझे भी लाइफ में प्रॉब्लम थी, मैंने भी स्ट्रगल किया है, तो एक वो कारण है। दूसरा है क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और सिस्टर जैसी हो, फेयर में हो मेरे साथ,
तो वैसे भी बाइबल कहता है कि हमें मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, तो इसलिए थैंक यू। बस अच्छा लगा आज, काफ़ी मज़ा आया ना। ऐसा लगता है ना जब तुम्हें लोग इम्पोर्टेंस देते हैं जो मुझे कभी लाइफ में नहीं मिली इम्पोर्टेंस, यू नो लाइक, क्योंकि कभी दी नहीं किसी ने, तो एक तो वो जो फीलिंग होती है अच्छी वाली वो महसूस ही नहीं हुई है, बट आज वो फीलिंग महसूस हो रही है। महिमा को अपने सपने अब सुहाने लगने लगे। चर्च में बनी उसकी सहेली ने एक हाथ बढ़ाया। शूटिंग में जाकर महिमा को लग रहा होगा बस थोड़ी और कोशिश और सामने मंजिल। यूं ही मन में आशा लिए सोनल भी रुकी हुई है। उसकी जानू घर गई है अपनी फैमिली को सोनल के बारे में बताने, पर इतने दिन से जानू यही कह रही है कि सही मौका नहीं मिल रहा, सही मौका नहीं मिल रहा। हाँ, इस कारण से सोनल की बेचैनी बढ़ रही है। क्या जानू फाइनली बोल पाएगी? मैंने अपना स्टेटस मैसेज अपलोड किया कि क्या आप मेरे दोस्त हैं। मुझे जानू ने मैसेज किया कि क्या मैसेज है। मैंने उसे कहा कि मुझे लगता कि मेरे कोई दोस्त है सिवाय प्रशु के। आई एम नॉट फीलिंग इट। ओके, समबडी इज रैंग द बेल, आई एम गोइंग टू कॉल यू बैक। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस सोनल टू गो आउट विद मी। Where should we go? I don't know. Where do you want to go? Where do you want to go, darling? I don't know where I want to go. Raahon ki baahon mein milte rahenge. Kuch tum suna. Maine acha coffee piya peene ke liye. Coffee? और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी। नाइस टू हैव कम आउट एंड ऑल थैंक्स टू तेजू जो मुझे बाहर लेके आई, तो हम लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। जानू कल हमारे बारे में अपने पेरेंट्स को बताने वाली है। मुझे इसको लेके थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है। तब मेरे पेट में हलबली है, हलचल हो रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी है। साथ ही साथ मुझे अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा खुशी भी महसूस हो रही है कि वो फाइनली बताने वाली है। मुझे सच में पता नहीं है कि वो लोग मतलब समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बट अगर समझ गए तो सब अच्छा हो जाएगा। हमारे घर में काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस था इसको लेके काफ़ी दिनों से। सो आई एम हैप्पी, आई एम टेंस्ड on both things. I just hope कि वो सब अच्छा जाए, सब ठीक जाए। दिल का काम ही है आशा रखना, दिमाग का काम है दिल को वार्निंग देना। दिल आशा करता है, दिमाग लेक्चर देता है, बट चक्कर तो ये है कि ना दिल जानता है ना दिमाग कि एक्चुअली क्या होने वाला है। सुनो, दिमाग को तो चुपो ही कह सकती है, पर दिल दिल है कि मानता नहीं। और मुझे खबर आई है कि मलेशिया का दिल शायद मान गया है, तो क्या राज उसे वाकई मिल गया है? Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and heal me, oh heal me. Thinking about the love we're making and life we're sharing, come and feel me, oh feel me. आज सुबह मैं कुछ 6 बजे घर पे आई, पूरी रात मैं टहल रही थी अक्रॉस मुंबई। इट्स रियली गुड, रियली गुड नाइट, ब्यूटिफुल इन फैक्ट। बट मोस्टली क्योंकि कल रात को किसी ने मुझसे पूछा कि टेल मी अ सीक्रेट अबाउट यू दैट नो वन नोज। आई लव, मेरी तो हालत ही खराब, क्या बताऊँ, मेरी पूरी लाइफ सीक्रेट है और मेरी लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं है। तो वो मुझे बोलता है तुम तो भगवान की तरह साउंड करती। आज तक पता है लाइफ में मुझे कोई सरप्राइज नहीं कर पाया,
I love surprises. लेकिन मुझे कोई सरप्राइज नहीं कर पाता. It's my birthday in like 20 days. But I think I'll tell that person कि कोई मुझे सरप्राइज नहीं कर पाया. Who knows, maybe he'll surprise me, no? बाहों में डाले बाहें बाहें बाहों का जैसे हार हो. It's a Saturday morning. मेरा फोन मर गया था तो मैंने जाके चेक किया. बहुत सारे मैसेजेस थे. पीपल मस्ट हैव ट्राइड टू गेट इन टच. आई हैड अ लंच अपॉइंटमेंट. यू एट कुकीज विदाउट मी. आई डोंट वांट टू नो नाइस. यू एंड देन यू गाइस सैट एंड एट कुकीज फॉर टू आवर्स. And he calls me and he tells me I was trying your number. My phone died up. You first give it to me, Jamani, because you will now spend it on him. Like, you'll go and bloody feed your boys first. Who's your boy? Which boy are you talking about? The two of you should really get married, I'm telling you. You all are eating cookies together. You all are coming to work together. That's it. I'm completely okay cruising single. मैं बहुत दोस्त बना लेती हूँ, उनसे बातें कर सकती हूँ. हाँ आई मुझे ये लड़का बहुत पसंद है. पर कितना पसंद है या फिर कितना मैं उसको आगे ले जाऊँगी या हम इसे आगे ले जाएंगे या ले जाएंगे भी या नहीं, तभी टाइम नहीं पता चलेगा. आपको तो पता है बॉयफ्रेंड शब्द से मुझे कितनी नफरत है. या तो पति होता है विच इज द ग्रेट शब्द, या तो फिर डेटिंग होती है जहाँ पर आप चेक कर लो. इट्स नॉट लाइक आप लोगों से नहीं देख चुके होंगे. आई एम श्योर यू आर. वो ही लोग वो ही जहान है. ओहो, अब भी नाम नहीं बताया, उल्टा हमें टीज कर रही कि हमने उसे देखा है. अच्छा, कहाँ, कब, कैसे? वेल, इसीलिए हमारे पास है फ्लैशबैक कुमारी. देखते हैं मलिष्का ने किन किन लड़कों को अपने कैमरे से शूट किया है और पता लगाते हैं. मैं पक्का गैस कर सकता हूं कि मलिष्का का बॉयफ्रेंड कौन हो सकता है. कोई भी. एक और पार्टनर है जिसे हमने देखा नहीं है पर जिसे हम जानते हैं, सोनल की जानू. अब तक जानू ने अपने पेरेंट्स को बता दिया होगा तो शायद फाइनली हम उसे ठीक से मिलेंगे. आइए देखते हैं. मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले जानू से फोन पे बात कर रही थी. उसको लगता है कि शी शुड नॉट कम आउट क्योंकि उसको अभी रियलाइज हुआ है कि वहाँ पे बहुत मतलब उसके फादर उसको वहाँ से निकलने नहीं देंगे घर से अगर वो बताएगी. वहाँ पे उसके घर पे शादी का माहौल है और सब पे शादी का भूत सवार है. वो डर गए हैं वहाँ पे जाके. तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम्हारे फादर ड्रॉप करने आ रहे हैं. ओके. नो जस्ट जनरली. नो जस्ट जनरली थिंकिंग. क्यों थिंकिंग? व्हाट इफ 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 योर फादर वुड हैव बीन अलोन मे बी यू कुड हैव. नो नॉट हिम. आई टेल यू व्हेन आई कम होम आई विल टेल यू व्हाट इट इज लाइक. राइट नाउ आई फील इफ इवन इफ आई अटर अ वर्ड दे कैन एब्सोल्युटली स्टॉप मी फ्रॉम वर्किंग. I know you're disappointed. I know what you wanted it out. But you have, and once I tell you, you'll be like, you will understand ki main kyun bol rahi hu, ki how much pressure, not pressure, how much scary it is here. Okay. Tum strong rao, theek hai? Haan. Why are you angry? I'm not angry with you. I'm really not angry with you. सब कुछ वही है, वही है, कुछ कमी कमी.
I am having very mixed feelings. मुझे ऐसा लग रहा है कि काश वो बोल देते, पर ऐसा भी लग रहा है कि I can't be, you know, selfish about this. मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 महीने से मैंने इतना स्ट्रेस हैंडल किया ये एक दिन के लिए. I don't know. Maybe I am being sorry. मसल कोई दब गई है. एक लड़का गिर गया उसके पैरों के ऊपर, मेरी बहन की. वो गई थी ना वहाँ पर वो करने, कहाँ खेलने गई थी, क्या बोलते हैं ये, अपना जब कैंप में गई थी, मैंने आपको बताया था फ्रांस गई है, जर्मनी. तो वहाँ पर एक लड़का गिर गया इसके पैरों के ऊपर, तब से इसको प्रॉब्लम थी. बताओ, 4 तक देखती हूँ ट्रेन का टिकट हो जाता है जयपुर का ना, तो मैं और जाती हूँ जयपुर. मैं रामेश्वर सर के घर पे आई हूँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनको कि मैं अपनी बहन के मतलब अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए उसके साथ जा रही हूँ जयपुर. कैसे सर? बस ठीक ठाक. हाँ, क्या चल रहा है? बस चल रहा है. वो मेरी बहन का ना ऑपरेशन है, तो मैं जा रही हूँ घर. तो और जाइए, अपना नया शो आ रहा है और इसकी बार ऐसा मत करना कि मैं फोन करूँ मैं घर पे हूँ ये है वो है, फिर प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए. अभी क्या करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि बहन के ऑपरेशन के लिए जाना ज़रूरी है सर, आप जानते हो ना, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और मैं ही जाऊँगी, लड़की है वो भी, तो इसलिए. बड़ी टेंशन हो रही है लाइफ में यार, बहुत टेंशन है, इधर काम की टेंशन, इधर इधर ये टेंशन, फैमिली की टेंशन. तो जिंदगी बिन टेंशन के नहीं है क्या? हाँ? तारे से टूटा है. कोई ये नहीं सोचता कि जब मैं बीमार होती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ, जब मुझे सबकी जरूरत होती है, तब कोई नहीं होता, पता है? तू गिरा है जहाँ, किसी को मेरे से मतलब नहीं है, कैसे रह रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, सबको बस मतलब है. माँ बाप कहते हैं लाइन तो तुमने चूज की थी ना, हमने तो नहीं बोला था तुम्हें. महिमा को आशा है कि एक दिन वो स्टार बनेगी. अगर ऐसा है तो वो हर थोड़े दिन बाद घर क्यों लौटती है? एक्चुअली हीरोइन के सपने के पीछे एक दूसरा सपना है कि उसे अपनी माँ का प्यार मिले, घर वालों का साथ मिले, छोटी बहन गरिमा की तरह उसकी भी एक पहचान बने. जब तक ये आशाएं पूरी नहीं होंगी तब तक महिमा की कोशिशें जारी रहेंगी. 6 औरतों की हजारों आशाएं उन्हें कहां से कहां तक ले जाएंगी, ये जानने के लिए अगले सोमवार को फिर होंगे कनेक्टेड हम तुम.